जो टैक्स के नाम पे लूट रहे हैं वो बंद करो। बजट पूरे देश का तो पूरे देश का होना चाहिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश नहीं करना चाहिए। जो मोदी जी कर रहे हैं अपने आप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बहुत ही गलत है। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, सालों के अंदर 70 पेपर लीक हो गए, उनका जवाब ये युवा मर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए केवल दो राज्यों में अच्छा बजट दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है जो देश को बांटने का काम करती है, निर्मला सीतारामन जी अभ्यास नहीं कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को। आप आम जनता का जेब खाना बंद करना चाहिए। तो महंगाई पे बोलो, आज खाने पीने की चीज़ों गरीब जनता आम आदमी मर रहा है। पूरे भारत का बजट दो राज्यों को दे दिया गया, जिससे और राज्य अभी क्या करेंगे, यूथ क्या करेगा। युवा हमेशा जनता के लिए लेट डंडे खाने को तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे। जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे टिकी हुई सरकार है वो अब इस देश के वादों को पूरा करेगी। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। यूथ कांग्रेस के ऑफिस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहां पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस समय मेरे पीछे जो है वो यहां पर मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के यहां पर जो है मौजूद है और बजट के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो झंडे जो है वो सभी कार्यकर्ताओं के लगभग हाथ में है, लोटे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकाब के साथ एक लड़के को जो है वो ऊपर बिठाया गया है चेयर पे, और साथ ही जो बीजेपी के और तमाम बड़े लीडर हैं जैसे अमित शाह है, निर्मला सीतारमण है, उनके भी जो है नकाबों को पहनाकर जो है एक जगह सांकेतिक एक तरीके से कहें कि अर्थी जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है और नारेबाजी लगातार की जा रही है, राम नाम सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों आखिर बजट का इतना विरोध जो है वो किया जा रहा है और क्या कुछ कमियां जो है वो इस बजट में देखी जा रही हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि आपने तस्वीरों में पहले भी देखा होगा कि बिहार में भी यूथ कांग्रेस ने जब बजट को लेकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया था तो वहां पर भी लाठीचार्ज जो है वो किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में किया जा रहा है, क्या कुछ रहेगा दिखाते हैं आपको। काली ब्रीफकेस क्या संकेत देना चाहेगा? काली कुर्सी बजट, काली कुर्सी कुर्सी बचाओ बजट, काली लोटा दिया देश का जनता को और कुछ नहीं है इनके पास। जो इस बजट में स्पेशल पैकेज के नाम पे झुंझुना दिया है, झुंझुना बिहार और आंध्र प्रदेश को, वो लोग चाहते हैं स्पेशल स्टेटस दो, जो टैक्स के नाम पे लूट रहे हैं वो बंद करो। लेकिन अभी तो आगे और भी बजट आने हैं, अगर कुछ राज्यों को विशेष दिया है तो आगे औरों को भी मिल जाएगा। ऐसे विशेष चुनाव आते हैं, 1,25,000 करोड़ अनाउंस किया था चुनाव के टाइम में बिहार में, कहाँ गए वो बता तो सही, कहाँ 1,25,000 करोड़। आप तो अभी 59,000 करोड़ दिया है, अभी वो कैसे स्पेशल पैकेज हो गया? हम स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। लेकिन आप प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, बिहार में भी आपने किया, वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली उसको किस तरीके से देखिए, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र बचाना है, हमारा लड़ाई लगातार जारी रहेगा। निर्मला सीतारामन जी अभ्यास नहीं कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को। आप आम जनता का जेब खाना बंद करना चाहिए। लेकिन कारगिल दिवस है आज, प्रधानमंत्री जो है वो कारगिल दिवस मना रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। हम तो लगातार विरोध करेंगे सरकार को, आज कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस में अग्निवीर को बंद करो। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो यूथ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन अपना जता रही है। खाली ब्रीफ केस लेके और झुंझुने को किसको समर्थन? खाली बजट, इसीलिए ये उसका प्रतीक है कि देश की सरकार किस तरह से देश की जनता को ठगना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं कि देश में भेदभाव नहीं चलेगा, कुर्सी बचाओ की राजनीति जो मोदी जी कर रहे हैं अपने आप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो बहुत ही गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। तो आगे अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बिहार में भी हमने देखा और अब आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, पुलिस रोकने के लिए खड़ी है। हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, मोदी जी की पुलिस तो हमारे ऊपर हमेशा बर्बरता करती है, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुट आपको पहनाया गया है और आप ही के बजट का विरोध किया जा रहा है, क्या करेंगे? जिस तरह प्रधानमंत्री ने दो स्टेट्स को छोड़कर बाकी
किसी स्टेट को इसने कुछ एलोकेट नहीं किया, ये सिर्फ सत्ता बचाओ एक बजट था और इसका कोई महत्व नहीं था। मिडिल क्लास के ऊपर जो मार करी है निर्मला सीतारमन ने, उसके बारे में कुछ पूछ नहीं है कोई, इनका सिर्फ अडानी अंबानी से लेना देना है बजट का। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को इसमें फायदा हुआ है और किसी स्टेट को कुछ भी एलोकेशन नहीं हुआ है फंड्स का। इसका हम विरोध करते हैं और दूसरे स्टेट्स को भी फंड्स मिले इसकी हम मांग करते हैं। तीसरी बार सरकार बनने के बाद अभी तो पहला बजट है, अभी तो और बजट आने हैं, क्या पता उसमें आप लोगों की सुनवाई हो जाए। ये कोई बजट नहीं है, ये गरीब आम जनता को लूटने का काम कर रही है ये सरकार, ये कोई बजट नहीं है। आपको पता है ये सरकार 2013 में वादे करके आई थी हम ये करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वादे करके आई थी। आज ये एक भी वादा करके दिया, युवाओं के भविष्य की साथ खिलवाड़ किया है। आज 70 सालों के अंदर 70 पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है, युवा मर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, ये युवाओं का खून चूसने का काम कर रही है। गरीबों किसानों महिलाओं का बजट है, ये आप कैसे कह रहे हैं? ये टैक्स ले रहे हैं, छोड़ दो अंबानी अडानी सरकार, गरीब देखा 80 करोड़ को गेहूं दे के ऐसे मत बोलो। अरे मोदी जी अडानी जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ युवाओं को, हम गरीब को दे रहे हैं राशन दे रहे हैं। जनता 80 करोड़ राशन ले रही है, आगे बढ़ो। आज आप सोना के हम कम कर दिए, क्या कम कर दिए? आप शेयर मार्केट देख लो, कुछ देख लो जनता को, आज महंगाई देख लो। आप तो पहले महंगाई पे बोलो, आज खाने पीने की चीज, गरीब जनता आम आदमी मर रहा है, क्या बोलोगे आप गरीब? लेकिन पुलिस खड़ी है, डर नहीं लगता है? बिहार में लाठियां चली थी बिहार में लाठियां चली थी, लेकिन हम भी एक एक लाठी का बदला लेंगे। हम बोलना चाहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, बिहार हो चाहे कहो, हम तो सड़क चल लेते, संसद धरना भी देना पड़े हम देना पड़े देंगे। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, हर स्टेट में हर राज्य में कहीं भी बजट नहीं दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए केवल एक दो राज्यों में अच्छा बजट दिया उन्होंने, बाकी और राज्यों में क्या जनता नहीं रहती है? हर जगह बजट की मार पड़ी है, लोग युवा नौकरी मांग रहे, नौकरी नहीं दे रहे, अग्निवीर को खत्म करें। हम मोदी जी से कहते हैं जब जब मोदी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, युवा किसी से डरने वाला नहीं है और युवा आज तक किसी से डरा नहीं है। आपने देखा होगा हमने कितने प्रदर्शन करे और युवा हमेशा जनता के लिए लेट डंडे खाने को तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे। बैरिकेडिंग पे क्यों चढ़े हुए हैं? हम मोदी सरकार ने जो अभी बजट पास किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट सिर्फ पूरे भारत का बजट 2 राज्यों को दे दिया गया, जिससे और राज्य अभी क्या करेंगे, यूथ क्या करेगा, तो इसके विरोध में हम आज यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी दिनों में हम और बड़ा आंदोलन भी कार्य करते हैं। प्रदर्शन तो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं लेकिन उसका असर कितना पड़ता है? मांगे आप लोग रखते हैं लेकिन मारी तो जाती नहीं है। मांगे कब तक नहीं मानी जाएगी, कब तक हमें निराशा का साथ देना पड़ेगा? ये भारत की जनता देख रही है, वो अपने आप आगामी चुनाव में मोदी सरकार को दिखा देगी कि बजट पूरे देश का तो पूरे देश का होना चाहिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश नहीं करना चाहिए। क्या खराबी है बजट में, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो देश को बांटने का काम करती है, पहले जाति और धर्म के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया, जब देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में उनको बताया कि इस देश के लोग प्यार मोहब्बत से रहना जानते हैं, जाति और धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, और उनको इतनी बुरी तरह से हराने का काम किया जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इसलिए इस बार उन्होंने इस देश के राज्यों को आपस में लड़वाने का काम किया है। हालांकि जुमलेबाजी की ये जुमले हैं उनके जो घोषणाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस दूसरे राज्यों के लोगों के मन में जो भेदभाव उत्पन्न होगा, क्या कर उनके अंदर क्या कमी है कि जो केंद्र सरकार उनको बजट नहीं देना चाहती है? सरकार बनने के बाद अभी तो पहला बजट है, अभी तो और भी बजट। अरे 10 साल मैं भाई तो कह रहा हूँ ना कि फिर ये भेदभाव क्यों किया है? वो जब विशेष राज्य का विशेष नहीं कम मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार 10 साल पहले देने वाले थे मोदी जी, 15 लाख रुपए देने वाले थे, 100 स्मार्ट सिटी देने वाले थे, किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले थे, वो तो आज तक 10 साल में पूरे हुए नहीं। अब ये अगले 5 साल में क्या करेंगे? जो लूड़ी लंगड़ी सरकार है, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे टिकी हुई सरकार है, वो अब इस देश के वादों को पूरा करेगी? वो इस देश के वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ये जुमलेबाज सरकार है, मैं कहता हूँ कि देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और देश में प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन लगातार बजट को लेकर कर रही है, जुमले वाला बजट इसको कहा जा रहा है। आज लोटो और खाली ब्रीफकेस को लेकर एक सांकेतिक प्रोटेस्ट जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यालय से शास्त्री भवन तक जो है वो किया गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद थी, बैरिकेटिंग
जो है वो यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूथ कांग्रेस के इस समय जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जो है यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तमाम सवाल पूछे गए थे, तमाम जवाब इस बजट को लेकर दिए गए। क्या कुछ कहा गया बजट को लेकर ये आप सुन चुके हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है ये बजट कितना सही है और कितना नहीं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स दिल्ली।